नाबार्ड की ओर से 3 दिवसीय उड़ान मेले की शुरुआत आज से रिज मैदान पर हो गई है। मेले का शुभारंभ आज शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। मेले में प्रदेश के सभी जिलों के स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों के बीज स्टॉल लगाए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण लघु सूक्ष्म उद्योगों को बाजार उपलब्ध करवाना है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मोदी का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। मेले में खेतों में उगाई गई फसलों से निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे उन्हें अच्छे दाम मिल सके। ग्रामीण लोगों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड की बेहतर पहल की उन्होंने प्रशंसा की। स्वयं सहायता समूहों का कहना है कि इससे उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो रहा है और आय भी दोगुनी हो रही है। स्वयं सहायता समूहों को नाबार्ड के प्रोत्साहन से उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा है। वहीं नीति आयोग से नौकरी छोड़कर अपने उत्पाद तैयार करने वाली गौतमी श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें बहुत दुख होता था जब हिमाचल के उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया ताकि हिमाचल के बने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके। मेले में चंबा खिचुक, हिमबुनकर कुल्लू, जागृति समूह चंडी सोलन, सहेली सहज सोलन, गुरु साहिब शिमला सहित अन्य स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पाद प्रदर्शनी में लगाए हैं। ये मेला 14 मेले का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण मानते हैं जो ग्रामीण परिवेश में इन तरह के प्रोडक्ट को तैयार करते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर। मैं नाबार्ड के अधिकारियों को, उनके चीफ जनरल मैनेजर और बाकी जो अधिकारी यहाँ पर इस मेले के आयोजन के लिए आए हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने शिमला के इस रिज मैदान को जो है वो इस बार के उड़ान मेले के लिए चुना। और शिमला के आसपास के क्षेत्रों से भी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस मेले में भाग ले रहे हैं। उसके साथ साथ चंबा के पांगी क्षेत्र से लेकर के कुल्लू इत्यादि सभी जिलों से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं, उन सबको इन्होंने जो है वो आज इस उड़ान मेले में जो है वो एक्सपोजर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानी के साथ साथ जो है वो और कोई काम हो, क्योंकि जो ज़मीनें हैं, ज़मीन स्ट्रेच नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती है, जितनी है उतनी रहती है। पॉपुलेशन बढ़ती है, परिवार बढ़ते हैं तो उससे जो है ज़मीन बंट जाती है, और छोटे छोटी जो आपके पास जो ज़मीन की होल्डिंग्स रहती हैं उससे परिवार का जो है वो गुजारा भी नहीं हो सकता, और साथ ही साथ समय जो है वो उसमें जो रहता है वो खाली समय में कुछ दूसरा काम जो है करने की आवश्यकता है।